देखो पहला वर्ड है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब पहली बात तो एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा देखो प्रोग्रेस और रिग्रेस। आपको पता है इसमें जो कॉमन वर्ड अपना ग्रेस है उसका मतलब आपको पता होगा कि आगे बढ़ना, बढ़ने से होता है। तो प्रोग्रेस मतलब आगे, तो आगे बढ़ना हो जाएगा। तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिग्रेस। आपको पता है कई वर्ड होते हैं जैसे रेट्रोवर्ड होता है, आपका री होता है, उसका मतलब होता है पुनः विचार करना या फिर पुनः पीछे की तरफ देखना। सो आपकी डेवलपमेंट होता है, आपका जो बात करते हैं आपकी प्रोग्रेस होती है, उसके अंदर आप यदि ओपोज करते हैं कोई चीज़ आपको पीछे लेके जाती है, धकेलती है आपको पीछे, उसको बोलेंगे रिग्रेसिव, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि रिटर्निंग टू ए फॉर्मर लेस एडवांस्ड स्टेट, आपकी जो भी अवस्था फिलहाल है उससे आपको वहां रिटर्न करना, वहां जाना जो पहले थी। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ फॉर्मर, फॉर्मर और वो भी लेस एडवांस्ड। आप 2018 के अंदर 2019 के अंदर हैं, आपको 2010 का कोई मोबाइल दे दिया जाए, सो दिस इज रिग्रेसिव। वो आपकी टेक्नोलॉजी है, वो फिलहाल ऑब्सोलीट हो चुकी है, ठीक है। या फिर आपको पुराने टाइम की कोई चीज़ दे दी जाए तो आपको रिग्रेसिव बोला जाएगा। सो ओपोजिंग प्रोग्रेस और रिटर्निंग टू ए फॉर्मर लेस एडवांस स्टेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है स्टॉक। स्टॉक पहली बात वर्ब है, ठीक है। स्टॉक आपको होता है कि जो चीज़ें भड़काना होता है ना, भड़काना हिंदी वर्ड होता है, प्रोवोक करना किसी को एग्रेवेट करना, एक्सेजरेट करना या फिर एक्रिमोनियस होना, ये सारी वर्ड। ये देखो एक्रिमोनियस आपका क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है, फिर भी यहाँ पे इसका थोड़ा सा संदर्भ बन रहा है, कंटेक्स्ट में वर्ड आ सकता है, तो उसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। देखो स्टिर का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी ग्लास के अंदर चम्मच से जो पानी हिलाते हैं, उसको कोई भी चीनी मिलाते हैं, तो आप उसको स्टिर करते हैं, ठीक है। आप उसको स्टिर अप करते हैं, मतलब आपकी कोई भी स्टेबल स्टेट होती है उसको आप टर्बुलेंस पैदा करते हैं, उसको मतलब उसको प्रोवोक करते हैं, उसको उकसाते हैं, अराउज करते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब आग का उकसाना या फिर स्टिर अप करना या फिर उसको टेंड करना, ऐसा करने के लिए सोचना, दैट कम्स अंडर स्टॉक। एग्रीवेट अच्छा वर्ड है। अग्रवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और बेकार कर देना, मतलब कि पहले से वो बेकार चल रही थी और वर्सन बना दिया गया उसको, उसको बोला जाएगा स्टॉक अग्रवेट। एक्सेसब्रेट मतलब ये इसका मतलब होता है, अग्रवेट और एक्सेसब्रेट ये आपके बहुत ही सिनोनिम है, क्लोज सिनोनिम है। एक्रिमोनस आपका जो होता है, एक्रिमोनस ऐसे होता है कि कोई नास्टी थिंग होती है, नास्टी थिंग्स दैट मीन्स कि वो आपके लिए हार्मफुल होती है, इंजूरियस होती है, फेटल होती है आपके लिए, परनीसियस होती है, घातक होती है, तो उसको बोलते हैं आप एक्रिमोनियस। तो आपका ये तो एडजेक्टिव है वैसे भी, तो स्टॉक आपका वर्ब है, उसके आपके सिनोनिम में तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी क्वाइट आपका सिमिलर वर्ड आ रहा है, तो मैं आप इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड अपने पास एंड मैसेज। एन में से आपको पता है इसके अंदर जो वर्ड दिख रहा है अपने को वो है MASS। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता है जो अपना द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं। तो मास का मतलब आपका भीड़ भी होता है, क्राउड भी होता है, ठीक है। तो भीड़ को कहीं के बोलने के लिए आपका ये एडजेक्टिव यूज हो जाएगा। तो मतलब सारे पर्सन एक साथ आ जाते हैं, ऑल टुगेदर आ जाते हैं, या फिर एज ए ग्रुप वर्क करते हैं, या फिर इसके लिए एक ऐसा ही वर्ड और भी है, उसको बोलते हैं एन ब्लॉक। एन ब्लॉक मतलब ऐसा ब्लॉक बन जाना, वहाँ पे बहुत सारे कलीग्स बोल दो या फिर आपके स्टूडेंट्स बोल दो, ग्रुप हो जाए एक तरह से, उसको बोलते हैं एन मैसे, ठीक है। आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं MASS से, और इट्स एन एडजेक्टिव। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एफिकेसी। एफिकेसी आपका पता है एफिशिएंसी से बड़ा हुआ वर्ड है। एफिशिएंसी आपकी दक्षता होती है आपके काम करने में, जो आपका एक तरह से आउटपुट ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट होता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एंड इट्स ए नाउन, कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड इफेक्ट। जो आप में कैपेसिटी होती है या पर पावर होता है, ठीक है। तो देखो साइंस में बात करें तो पावर वगैरह आपको पता है अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल वर्ड है कैपेसिटी और पावर टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड इफेक्ट। जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए था, जैसा आपको रिवोल्यूशन चाहिए था वैसा आप वैसे करने में आपके अंदर यदि एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, क्षमता है, तो उसको बोलते हैं एफिकेसी। और इसके लिए आपका एक नाउन और भी है, दैट इज ऑल्सो ए नाउन। सो एफिकेसियसनेस आपको होता है एफिकेसियसनेस, ये भी आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास डिसइल्यूजन। डिसइल्यूजन मतलब देखो इल्यूजन क्या होता है, आपका थोड़ा भ्रम होता है ना, भ्रम जीना, मतलब आप बोलते हैं ना भ्रम में जीना। पहली बात आपका ये वर्ब है डिसइल्यूजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट ऑन फाइंडिंग आउट दैट समथिंग इज नॉट एज गुड एज होप्ड। दैट मीन्स कि निराश हो जाना, किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, मतलब आपको क्या पता लगा कि आप निराश हो गए, आपको ऐसा लगना कि यार जो मैं सोच रहा था कि ये अच्छा होगा वो उतना अच्छा है नहीं एक्चुअल में, है ना। वो आपका डिसइल्यूजन होता है, आप सोच रहे थे कि वो अच्छा है, आपका इल्यूजन था, वो सोच रहे थे आप अच्छा है लेकिन वो नहीं है वैसा, दैट इज डिसइल्यूजन। और दैट प्रीवियस बिलीव्स वर फॉल्स, जो आपके प्रारंभिक विश्वास थे, प्रीवियस यानी पहले के जो विश्वास आपके कायम थे, जो आप मानते थे कि ऐसा होता है, ऐसा आपकी नेचर ऐसे चलती है, पॉलिटिक्स ऐसे वर्क करती है, वो सारे आपके एक तरह से फॉल्स हो गए बिलीव्स, उसको बोलते हैं डिसइल्यूजन, ठीक है। और डिसइंजेंट, देखो इंजेंट का मतलब क्या होता है, डिसइंजेंट का मतलब भी यही होगा, ये आपका परफेक्ट सिनोनिम है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज अलाइनेट। अलाइनेट आपको पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका शत्रुता पैदा करना, और जो हॉस्टिलिटी होती है शत्रुता होती है, या फिर एनमिटी होती है, ENMITY, एनमिटी में
आपको बताया कि जो एनिमी वर्ड होता है उससे बनता है एनमिटी, बट उसको एनिमिटी नहीं बनाना है, ये आपको पता है। देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप सब उसको देखें, आप चेक कर लें नेट के ऊपर, एनिमिटी नहीं वर्ड होता है, एनमिटी होता है, ठीक है। एनमिटी, ई एन एम आई टी वाई, शत्रुता है ना, और आपकी हॉस्टिलिटी पैदा करना, शत्रुता पैदा करना, उसको बोला जाएगा अलाइनेट होना, ठीक है। तो जब जब भी जिस जगह पे पहले प्यार वगैरह, अफेक्शन, फ्रेंडलीनेस हुआ करता था, अब वहाँ पे यदि किसी चीज़ को उकसाना, वहाँ पे उकसा के वहाँ पे यदि शत्रुता पैदा कर देना, दो दोस्तों के बीच में दरार डाल देना, अराउज कर देना उनको, बोला जाएगा अलाइनेट कर देना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब भी यही होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मेक विड्रॉन। पहले कोई दो चीज, मतलब दो पर्सन थे किसी रिलेशन में इन्वॉल्व थे, अब उनको विड्रॉ कर दिया, मतलब वहां से उनको टॉर्न कर दिया, उनको हटा दिया, उनके बीच में दरार डाल दी, या फिर बोल सकते हैं आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब होता है विलगित, यानी अलग अलग, बिल्कुल कॉन्टेक्ट में नहीं होना, उसको बोलते हैं आइसोलेट। और इमोशनली डिसोसिएटेड, एसोसिएट क्या होता है, सहायता, एसोसिएशन होता है सहायता, है ना, सहायता समूह है। डिसोसिएट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सहायता नहीं, मतलब एक तरह से अलग अलग, इमोशनली भी अलग अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया, विदड्रॉन कर दिया, उस सारी चीजों को बोला जाएगा अलाइनेट, ठीक है। रेजिलियंस आपकी वो एक तरह से एबिलिटी होती है जिससे आप बोल सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली वर्क करते हैं ना, मतलब कि बार 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 करते हैं, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। आपकी प्रॉपर्टी होती है किसी पर्सन की, तो देखो तो एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, जो आपकी फिजिकल मैटर होती है, आपके मेटल मान लो, धातु मान लो, उनकी एक प्रॉपर्टी भी होती है रेजिलियंस। वो क्या होता है, देखते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप और पोजिशन आफ्टर डिफॉर्मेशन दैट डज नॉट एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर यदि आप पता, यदि आपको पता है फिजिक्स पढ़ते हैं आप, इलास्टिक लिमिट आपको पता है क्या होती है भाई, ऐसी लिमिट जिसके अंदर अंदर है ना, आपने किसी पदार्थ को तोड़ा मरोड़ा तो उस लिमिट के अंदर क्या करेगा, वो अपने पुनः वाली स्थिति में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि कोई मान लो कि इलास्टिक बैंड होता है अपने पास, उसको अपन मोड़ते हैं, मोड़ने बाद जैसे छोड़ते हैं ना, तो अपनी स्थिति में चला जाता है फिर से, लेकिन ये एक लिमिट के अंदर होता है, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ऐसा होना, वापस से अपनी शेप में आना, बोला जाएगा रेजिलियंस करना, ठीक है। या फिर एन अकरेंस ऑफ रिबाउंडिंग और स्प्रिंगिंग बैक, यानी फिर से पुनः से कोई चीज़ होना, रिबाउंड होना है ना, या फिर इको बोल सकते हैं इसको, रिवर्बरेशन बोल सकते हैं इसको, स्प्रिंग बैक करना, यानी पुनः वही स्थिति दोहराना, बोला जाएगा रेजिलियंस। एलिसिट मतलब किसी से कोई चीज उगलवाना, कॉल फोर्थ, इसका जो एक तरह से परफेक्ट आपकी फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ क्या 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 उगलवा सकते हो आप, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके रिस्पॉन्सेज, क्या कहना चाहता है वो, उसकी आप यदि उगलवाते हैं किसी से, उसको बोलते हैं एलिसिट करना। डेड्यूस मतलब कोई रिजल्ट निकालना, कोई प्रिंसिपल का रिजल्ट निकालना, या फिर कंस्ट्रू, कंस्ट्रू क्या होता है, एक अच्छा वर्ड और है, इसका मतलब हो जाएगा कि समझना, समझना, कंस्ट्रू ए मीनिंग, मतलब किसी मीनिंग को समझना या लॉजिक को समझना। डेराइव बाय रीजन, किसी चीज को डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन है ना, डेराइव करना, अराउज करना, इवोक करना, मतलब उसको कहने के सामने वाले पर्सन को ऐसे कोई बात बोलना कि ताकि वो भड़के, भड़क भी सकता है, भड़क भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो भड़क भी सकता है और कुछ बोलेगा आपको, तो उसको अराउज करना, उसको इवोक करना, इवोक मतलब एक तरह से उसका आह्वान करना कि भाई तू कुछ तो कर, एलिसिट करना उससे। और देखो इंटेरोगेशन जो होता है पुलिस करती है, वो भी एलिसिट ही करती है, क्योंकि उसको पता है कि चोर है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुफिया बातें होंगी, उनको उगलवाती है, तो वो भी एलिसिट ही करती है। बात करते हैं स्टेटिकम, स्टेटिकम आपकी नाउन है, इसका मतलब हो गया आपकी जो चाल होती है, आपकी कुछ भी बोल दो कि जो तिकड़मबाजी होती है ना, उसको बोलते हैं स्टेटिकम। ए टेक्टिक, टेक्टिक्स आपकी क्या होती है, रणनीतियाँ, ठीक है। और मनूवर, मनूवर अच्छा वर्ड है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, उसको आप देख लें, स्पेलिंग देख लें इसका, उसका प्रोनंसिएशन देख लें, मनूवर, ठीक है। तो इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज, आपकी कोई भी आपकी रणनीतियाँ जो आपको अपने खुद के लिए, खुद के सेल्फिशनेस के लिए आप यदि करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेगम। वैसे स्ट्रेटेगम वर्ड है ना, ज़्यादातर आपकी पॉलिटिक्स में यूज होता है, बिकॉज पॉलिटिक्स में जो भी पार्टियाँ होती हैं वो अपने लिए करती हैं, ठीक है। और अपने लिए बात करें तो इंडिविजुअल के लिए करती हैं, तो उनकी चालें क्या होती हैं, उनके सोचना क्या होता है, उनको बोलते हैं स्ट्रेटेगम, ठीक है। गेमबिट बोल सकते हैं, गेमबिट एक प्रकार का गेम होता है जिसमें आप चाल चलते हैं ना। या फिर प्लॉय, प्लॉय मतलब एक तरह से षड्यंत्र रचना, उसका जो एक तरह से प्लॉय का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र रचने के लिए आपको जो बेस होता है, तो आप षड्यंत्रबाजी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी करना, कॉन्स्पिरेसी नहीं षड्यंत्र, तो उसको बोलते हैं प्लॉय। आपने कुछ दिमाग में फॉर्मुलेट किया, हाँ चोर ने सोचता है कि मुझे वहां चोरी करनी है, वहां चोरी करनी है, एक्चुअली वो प्लॉय कर रहा है अपने दिमाग के अंदर, प्लॉय मतलब इमेजिन कर रहा है कि हाँ मैं वैसा करूंगा, ठीक है, तो वो चाल है उसकी। थॉट मतलब किसी को रोकना, हिंडर करना, बैफल करना, बिल्क करना, क्यूर करना, किसी को कोई काम करने से रोकना, एफर्ट करने से रोकना, प्लान्स बनाने से रोकना, उसकी डिजायर्स को कहीं कहीं कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड थॉट एंड इट्स अ वर्ब। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एनविजेज। एनविजेज क्या होता है, पहली बात आपका वर्ब होता है, इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ चीज़ आप सोचना। मैंने आपको कुछ स्टोरी बताई, आपने उसको फॉर्मुलेट किया, आपने उसको फॉर्मुलेट किया, दिमाग में इमेज बनाई, पिक्चराइज किया, उसको सोचा कि हाँ ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड एनविजेज करना।
ठीक है, देखो फॉर्म ए मेंटल इमेज ऑफ समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और दैट इज नॉट द केस, दैट मीन्स कि कोई चीज प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में सोचना, इमेजिन करना, किसी से आइडिएट करना उसको, उसको पिक्चराइज करना, दैट इज कॉल्ड इनविजेंस। आगे बढ़ते हैं, बाईपार्टीशन, बाईपार्टीशन एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाएगा कि दो पार्टियां होती हैं, दो पार्टीज होती हैं, उनके द्वारा सपोर्ट करना कोई भी चीज को, टू पार्टी या फिर टू वे भी बोल सकते हैं इसको, टू वे यानी दो रास्ते, उसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बाईपार्टीशन एंड इट्स एन एडजेक्टिव ऑल्सो। एक्लियन, एक्लियन आपका नाउन है, इसका मतलब हो जाएगा कि जो हायर रैंक पे कोई ऑर्गेनाइजेशन में, हायर रैंक पे जो आपके अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं एक्लियन, ठीक है। मिलिट्री के अंदर कोई भी आपका यदि बॉडी ऑफ ट्रूप्स, दैट मीन्स कि आपके जो सैनिक होते हैं उनको यदि एक लाइन में अरेंज किया जाता है उसको बोलते हैं आप एक्लियन, या फिर फोर्स बोल सकते हैं इसको, ग्रेटिंग्स को बोल सकते हैं, या सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डेनाउमेंट आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं, और आपके बोलते हैं तो आफ्टर मेथ होते हैं, ये आपके पांच सिनोनिम मैंने आपको बता दिए, यदि आपने नोट कर रहे हैं ना तो पांच सिनोनिम को पक्का नोट कर लें, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। डिनाउमेंट क्या चीज है, डिनाउमेंट आपके रिजल्ट्स हैं, आपके आउटकम्स हैं, आपके आफ्टर मेथ है, आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको आउटकम बोल सकते हैं आप इसको, तो ये आपके क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आपके जो भी इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं उनका आउटकम क्या होगा, दैट कम्स अंडर डिनाउमेंट। स्पेलिंग देख लीजिए इसकी, एन डी ई एन ओ यू ई एम ई एन टी, डिनाउमेंट, और बोल सकते हैं इसको द फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, किसी भी रचना का जो आपकी लिटरेरी वर्क है, जो आपके रचनाएं हैं, आपकी जो कविताएं हैं, उसका जो फाइनल रिजोल्यूशन होता है ना, मतलब फाइनल रिजोल्यूशन मतलब कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मतलब इसका रिजल्ट, इसके जो आउटकम्स क्या होंगे इन द नियर फ्यूचर, सो दैट इज कॉल्ड डिनाउमेंट। बात करते हैं काउच, काउच वर्ब है, देखो काउच वैसे नाउन भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ लिखा हो नीचे, सोफा हो जाएगा, लाउंज हो जाएगा, एन अनहोल्स्टर्ड सीट फॉर मोर देन वन पर्सन, दैट मीन्स कि आपके घर में सोफा है, लाउंज है, जो आपका सोफा लाउंज है या फिर जो काउच है वो आपका, ठीक है वो नाउन है, बट वर्ब में क्या मतलब है। काउच का मतलब हो जाएगा कोई स्टोरी आपकी फेब्रिकेट करना, फॉर्मुलेट करना उस चीज़ को, पर्टिकुलर स्टाइल को, लैंग्वेज को फॉर्मुलेट करना कि सामने वाले को क्या बोलना है, किस तरीके से मैं उसको उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, दैट इज, या फिर आप बोल सकते हो कास्ट करना, है ना, कास्ट मतलब बनाना, एक तरीके से कास्टिंग होती है, आपको इंजीनियरिंग में अंदर पढ़ा होगा कास्टिंग होती है, कास्टिंग क्या होती है, एक तरह से आप जो कोई भी औजार बनाते हैं उसको बोलते हैं कास्टिंग करना। फ्रेम करना, फ्रेम आपको पता, फ्रेम नाउन भी है, फ्रेम वर्ब भी है, फ्रेम नाउन आपकी कब होगी, तो फ्रेम होती है अपने फोटो फ्रेम मान लो, कोई भी फ्रेम मान लो, और जो फ्रेम करना मतलब कोई भी कहानी बनाना, कोई फेब्रिकेशन करना, रचना बनाना, दैट इज काउच, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आपको और चाहिए, और आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, हैप्पी हैप्पी, और आपको जो आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और हैव ए नाइस डे, ठीक है।